कलर्स चैनल पर प्रसारित होने वाले बिग बॉस नाटक पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापित ज्ञापन स्थानीय अनुविभागीय दंडाधिकारी को सौंपा गया। उक्त जानकारी देते हुए विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष सनूप सिंह यदुवंशी ने बताया कि कलर्स चैनल पर प्रसारित होने वाले नाटक बिग बॉस पर प्रतिबंध करने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नेतृत्व में समाज सेवियों, अधिवक्ताओं, व्यापारियों, राजनीतिक दलों के नेतागण आदि ने विभाग मंत्री शिव राठौड़ की उपस्थिति एवं मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापित ज्ञापन स्थानीय तहसील परिसर में कानून को ब्रजमोहन सूर्यवंशी को सौंपा। जिसमें विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और हिंदू समाज के सभी राष्ट्रभक्तों ने मांग की मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान से। जिस प्रकार से पूरे देश भर में लव जिहाद की घटनाओं, हिंदू बहनों की हत्या और बड़े पैमाने पर बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, उसी लव जिहाद को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने, देश भर की राज्य सरकारों ने चिंतन किया और एक लव जिहाद के खिलाफ में एक कानून आने वाला, ऐसी हम सभी को मध्य प्रदेश की सरकार ने भी यह निर्णय लिया। अब उसी लव जिहाद को बढ़ावा देने वाले हम देखते हैं कि एक कलर्स चैनल पर बिग बॉस नाटक आता है जिसको सलमान खान द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है। इस्लामिक संगठनों पीडीएफ और अन्य अन्य मुस्लिम संगठनों के द्वारा फंडिंग की जा रही है, उसमें दुबई से पैसा लगा हुआ उस नाटक को। उस नाटक का माध्यम से यह बताया जा रहा है कि हिंदू बहनें इन नाटकों के माध्यम से अपना आइकन बनाकर मुस्लिम नवयुवकों के साथ धर्मांतरण करें, निकाह करें और उसी का स्वरूप पूरे देश भर में दिख रहा नहीं होता है। तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? हम सभी हिंदू परिवार में जाकर जन जागरण करेंगे और जो स्थानीय ऑपरेटरों के माध्यम से इसको बंद करवाने की मांग करेंगे, प्रयास करेंगे हर स्तर पर। हिंदू परिवार अपने घरों में इस बिग बॉस नाटक को ना देखें और कलर्स के चैनल का बहिष्कार करें, यह मांग हम हिंदू समाज से करेंगे। और आगामी क्या आपकी योजना रहेगी? टीवी पर कलर्स चैनल के माध्यम से एक धारावाहिक प्रस्तुत किया जाता है बिग बॉस नाटक, जिसमें कि एक सुनियोजित तरीके से एक वर्ग विशेष की ही लड़की होती है और एक वर्ग विशेष का लड़का होता है और उनका ऐसा बताया जाता है कि जिससे हमारे समाज में बच्चियों की महिलाओं की मानसिकता विकृत करने का एक प्रयास किया जाता है। इसको रोकने के लिए और उनके इस षड्यंत्र को विफल करने के लिए हमारी आज ये मांग है कि इस चैनल को पूर्णतः बंद किया जाए और उसमें जो अश्लीलता परोसी जाती है उस चीज़ को बिल्कुल पूर्णतः बंद किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे, घर घर जाके जन जागरण करेंगे और हमें इस बात की आज बहुत खुशी होती है कि सारे भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर क्रांति का इसके विरोध की क्रांति का सूत्रपात हमारे सिवनी मालवा से हो रहा है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।